फ्रेंड्स, राजस्थान ज्ञानधारा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की हस्तकला के बारे में डिटेल से चर्चा करी थी, और आज इस क्लास में हम राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में वाद्य यंत्रों से स्वरों की उत्पत्ति होती है। वाद्य यंत्रों के बारे में आपको पता है कि वाद्य यंत्र क्या होते हैं, कि ऐसे वाद्य यंत्र जिनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है। वाद्य यंत्र लोक संगीत को लय और गति प्रदान करने का एक साधन है। कहा जाता है कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, चाहे गीत हो, चाहे नृत्य हो, और चाहे ये वाद्य यंत्र हो, इनसे जो जो लोक जीवन है उसमें अपने जो मन की भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त किया जाता है। तो लोक संगीत में वाद्य यंत्रों के माध्यम से लय और गति प्रदान की जाती है। स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर वाद्य यंत्रों को चार भागों में डिवाइड किया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र जिनका निर्माण तारों से होता है, मतलब तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। सुषिर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र होते हैं जिनमें फूंक मारकर स्वर की उत्पत्ति की जाती है। अवनद वाद्य यंत्र जो कि चमड़े से बने होते हैं और उनके ऊपर अपन हाथ से जब चोट करते हैं तो उससे क्या होगी, स्वर की उत्पत्ति होती है। घन वाद्य यंत्र यानी चोट या आघात, यानी घन वाद्य यंत्र ये धातु से निर्मित होते हैं, धातु से निर्मित होते हैं, और फिर इन दोनों को आपस में टकराने से आवाज उत्पन्न होती है, उसे घन वाद्य यंत्र कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें तो तत्ववादी यंत्र, तत्ववादी यंत्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तारों से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें तत्ववादी यंत्र कहते हैं, और इन वाद्य यंत्रों में तारों से स्वर की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रावण हत्था वाद्य यंत्र, जो कि नारियल की खाल से निर्मित, बकरे की खाल से मढ़ी हुई हुई गज की सहायता से बजाया जाता है। इसे रावण हत्था कहते हैं, मतलब ये नारियल की खोल से बना हुआ होता है और इसके ऊपर बकरे की खाल मढ़ी हुई होती है, और एक गज की सहायता से, गज में ताल लगा हुआ होता है और उसकी सहायता से इसे बजाया जाता है, उसे रावण हत्था कहते हैं। रामदेव जी व बाबू जी की फड़ में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी और बाबू जी की फड़ में रावण हत्था वाद्य यंत्र और देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ में जंतर वाद्य यंत्र और रामदेव जी और बाबू जी की फड़ में रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके तार धातु से निर्मित, बकरे की आंत से निर्मित होते हैं, मतलब इसके जो तार होते हैं वह धातु से निर्मित होते हैं और ये ऊपर से बकरे की आंत से निर्मित होता है। ये है गज, ये आपको दिख रहा होगा, ये गज है। और ये जो रावण हत्था वाद्य यंत्र है उस पे 500 पैसे का, 500 पैसे मतलब 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, और लगभग कब, 2020 में यह डाक टिकट जारी किया गया था। आगे हम चर्चा करें तो सारंगी, सारंगी वाद्य यंत्र, ये भी तत्ववादी यंत्र है, और तत्ववादी यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है वह सारंगी वाद्य यंत्र है। इसमें कुल 27 तार होते हैं और इसमें जो तार होते हैं वह घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, मतलब जो तार हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, घोड़े की पूंछ की बाल होते हैं, 27 होते हैं टोटल। सारंगी के तार बकरे की आंत से बने हुए होते हैं। सारंगी को कामायचा का राजा कहा जाता है, सारंगी को कामायचा का राजा कहा जाता है, और कामायचा की रानी सारंगी को कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत में प्रयोग लंगा जाति के द्वारा इसको बजाया जाता है, मतलब शास्त्रीय संगीत में सारंगी का प्रयोग किया जाता है और लंगा जाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। जो रावण हत्था वाद्य यंत्र उसमें 9 तार होते हैं और सारंगी में 27 तार होते हैं। सारंगी के कई प्रकार होते हैं, जैसे सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी, धाणी सारंगी, जोगियों की सारंगी। जोगियों की जो सारंगी होती है वह अलवर भरतपुर में जोगियों के द्वारा बजाई जाती है। आगे हम चर्चा करें तो इकतारा, नाम इसका इकतारा है लेकिन इसमें तार कितने होते हैं, 2। इसमें इसको उपनाम क्या है, इसे आदिवाद्य यंत्र और मूल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। तारों की संख्या इसमें 2 है। मीराबाई और नारद जी का संबंध इकतारा वाद्य यंत्र से है। नाथ साधु संन्यासी आदि के द्वारा प्रयुक्त एक हाथ से इकतारा और दूसरे हाथ से खरताल बजाई जाती है। तो इकतारा, नाम इकतारा, तार 2 होते हैं। आगे हम चर्चा करें तत्ववादी यंत्रों में तो चौतारा, तंदूरा और वेणु, तंबूरा, चौतारा, तंदूरा, चौतारा, वेणु, तंबूरा आदि इसके क्या है, उपनाम है। इसमें 4 तार होते हैं इसलिए इसे चौतारा कहा जाता है। इसकी शक्ल तानपुरे से मिलती जुलती है। इसे वेणु भी कहते हैं। इसे बजाने में गज काम में नहीं ली जाती और अंगुलियों में
मिजराब पहनकर हाथ से इसे बजाया जाता है, क्योंकि तार से बने होते हैं इसलिए उंगलियों में मिजराब पहनकर इन्हें बजाया जाता है। कामड़ नाथ जाति के लोग रामदेव जी के भजनों व तेरह ताली नृत्य में चौतारों वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेणु वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र का उपनाम है, तो वो है चौतारों का। आगे हम चर्चा करें तो जंतर वाद्य यंत्र में वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप वीणा जैसी ही आकृति होती है। जो वीणा होती है वह कैसा वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। और वीणा का आधुनिक रूप क्या है, जंतर वाद्य यंत्र है। खड़े होकर गले में लटका कर इसे बजाया जाता है। और देवनाथ जी की फड़ वाचन में जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग गुर्जर जाति के भूपों के द्वारा किया जाता है। यह अजमेर भीलवाड़ा और नागौर में प्रसिद्ध है। मतलब जंतरवादी यंत्र में देवनारायण जी की फड़ में जंतरवादी यंत्र, और रामदेव जी और पापू जी की फड़ में रावण हत्ता वादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुजरी वादी यंत्र की चर्चा करें तो ये रावण हत्ता से छोटा और पांच तारों वाला वादी यंत्र होता है। रावण हत्ता में तो 9 तार होते हैं और गुजरी में 5 तार होते हैं। इसमें धनुषाकार गज काम में ली जाती है। आगे हम चर्चा करें तो भपंग वाद्य यंत्र है। डमरू की आकृति के समान इसका प्रयोग अलवर में किया जाता है। यानी कि यह है आपका भपंग वाद्य यंत्र, जो कि शिवजी के डमरू से काफ़ी मिलता जुलता है। इसका प्रयोग मेवात क्षेत्र यानी अलवर में किया जाता है। जोगी जाति के लोगों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। वादक कौन है, जहरू खां मेवाती और उमर फारूक खां मेवाती इसके प्रमुख वादक हैं। रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग अलवर व टोक में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये 4 तार लगे हुए होते हैं। मेव जाति के भाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र रबाब है। आगे हम चर्चा करें तो कामायचा वाद्य यंत्र यह एक ईरानी वाद्य यंत्र है। इसे सारंगी की रानी कहा जाता है। मतलब कामायचा को सारंगी का राजा कहा जाता है और सारंगी की रानी कामायचा को कहा जाता है। सारंगी के समान आकृति वाला मांगणियार जाति के लोगों के द्वारा प्रयुक्त योगी व नाथ मुनियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। मतलब इसकी आकृति कैसी होती है, सारंगी के समान होती है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं सारंगी और कामायचा को एक कपल की तरह माना जाता है। मतलब सारंगी की रानी कौन हो गया, कामायचा, और कामायचा का राजा कौन हो गया, सारंगी। इस तरह से अपन याद कर लेंगे। और 500 रुपये से मतलब 5 रुपये का डाक टिकट कामायचा पर किया गया था, कब, 2020 में। और 5 रुपये का डाक टिकट ही रावणहत्ता पर 2020 में लागू किया गया था या फिर चलाया गया था। आगे हम चर्चा करें तो सुरिंदा यानी रोहिड़े की लकड़ी से बना यह वाद्य यंत्र गज से बजाया जाता है। लंगा जाति द्वारा इसे मूला व सतारा वाद्य यंत्रों के साथ में बजाया जाता है। मतलब ऑलमोस्ट जो है वह लंगा मांगणियार इन जातियों के द्वारा ही बजाए जाते हैं। आगे दुकाका वाद्य यंत्र, यह घुटनों में दबाकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। दीपावली के अवसर पर प्रयोग किया जाता है। यह याद रखना, 10 से दीपावली और 10 से दुकाको। दुकाको वाद्य यंत्र का प्रयोग दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। भील जनजाति के लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दुकाको वाद्य यंत्र का उपनाम क्या है, चौतारो या वेणु, ये गलत है, यहाँ पे ये गलती से हो गया है। इस वाद्य यंत्र के 4 तार होते हैं, क्योंकि चौतारो वेणु ये सारे नाम किसके थे, तंबूरा वाद्य यंत्र के थे। आगे हम चर्चा करें तो चिकारा वाद्य यंत्र, इसमें 3 तार होते हैं। केर की लकड़ी से बना हुआ होता है। अलवर भरतपुर के जोगियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मेवात क्षेत्र में किया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में गराशिया द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण वहां इसे गराशियों का चिंकारा तथा मेवात में मेवो द्वारा प्रयोग किए जाने के कारण इसे मेवो का चिंकारा कहा जाता है। क्योंकि मेवात क्षेत्र में अलवर भरतपुर में जब इसका प्रयोग करते हैं, मतलब मेवो के द्वारा किया जाता है, तो इसे मेवो का चिकारा कहा जाता है। और गराशियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। गराशिया कहाँ पे रहते हैं, सिरोही में। गराशियों के द्वारा प्रयोग किया जाने के कारण इसे गराशियों का चिकारा कहा जाता है। यह हमें अच्छे से याद रखना है। आगे सुशीर यंत्र यानी कि फूक मार के जिन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है उन्हें सुशीर यंत्र कहते हैं। मैं आपको एक तत्ववादी यंत्र की एक ट्रिक बता देती हूँ कि रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, दुखी थी, चिकारा बजाती थी और
रब रब करती थी, रब रब करती थी, कभी चीख चीख के रब रब करती थी। मतलब रावण से क्या हो जाएगा, रावणता वाद्य यंत्र हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा, सा से सारंगी, सु से सुरिंदा, गु से गोजरी वाद्य यंत्र, पर से क्या हो जाएगा, बपंग और बपंग वाद्य यंत्र हो जाएगा, सु से सुरिंदा हो गया, दुखी से दुखाका हो जाएगा, ची से चिकारा हो गया, और रब से रबाब और रबाज हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी ट्रिक है, इसके जरिए अपन सारे तत्ववादी यंत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब रावण से रावण हत्ता वाद्य यंत्र, एक से इकतारा वाद्य यंत्र, सा से सारंगी, सु से सुरिंदा, गुजरी वाद्य यंत्र, बपंग और अपंग वाद्य यंत्र, दुकाका वाद्य यंत्र, चिकारा वाद्य यंत्र, और रब रब यानी रबाज वाद्य यंत्र और रबाब वाद्य यंत्र किसके हैं, तत्ववादी यंत्र है। मतलब ऑलमोस्ट तत्ववादी यंत्र है, जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें आ जाते हैं सारे। सुरिंदा वाद्य यंत्र, सुरिंदा वाद्य यंत्र में सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र होते हैं जो फूक मारकर बजाए जाते हैं, जैसे बांसुरी। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की, हरिप्रसाद चौरासिया इसके प्रमुख वादक हैं, जो स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर इसमें 7 छेद होते हैं। बांसुरी में कुल 7 छेद होते हैं, जो स्वरों की शुद्धता हो इसके लिए निश्चित दूरी पर बने हुए होते हैं। आगे बात करें तो अलगोजा वाद्य यंत्र, यह राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, जिसमें 4 छेदों वाली 2 बांसुरियां होती है, जिन्हें नकसासी से बजाया जाता है, मतलब नाक से सांस लेके मुंह से बजाया जाता है। मीणा आदिवासी में विशेष रूप से प्रचलित है, कोटा, बूंदी, अजमेर, अलवर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। मतलब ये फेमस कहाँ की है, कोटा, बूंदी और अजमेर, अलवर की फेमस है। आगे हम चर्चा करें तो सहनाई या नफीरी वाद्य यंत्र, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। मतलब तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ क्या थी, सारंगी, और सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ क्या है, सहनाई है। सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, चिलम के समान इसका आकार होता है, कुल 8 छेद होते हैं। ये एक मांगलिक वाद्य यंत्र है, जो विवाह उत्सव पर बजाया जाता है, इसे सदैव 2 वादक एक साथ बजाते हैं। इसे सिंदूरी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, और प्रसिद्ध सहनाई वादक कौन है, बिस्मिल्ला खां, बिस्मिल्ला खां है, और राजस्थान में कौन है, चांद मोहम्मद खां, राजस्थान में है चांद मोहम्मद खां, मोहम्मद खां राजस्थान में है, चांद मोहम्मद खां, मतलब प्रसिद्ध वादक कौन है, बिस्मिल्ला खां, और राजस्थान में है चांद मोहम्मद खां। बाकिया वाद्य यंत्र, ये मांगलिक वाद्य यंत्र है, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र, ये याद रखना है ये लाइन, सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र कौन सा है, बाकिया वाद्य यंत्र है। इसके साथ में ढोल व कांसे की थाली बजाई जाती है, क्योंकि कांसे की थाली तो घन वाद्य यंत्र होता है, लेकिन और ढोल कौन सा होता है, अवनद वाद्य यंत्र, और बाकिया क्या होता है, सुशीर वाद्य यंत्र, लेकिन बाकिया के साथ में ढोल व कांसे की थाली बजाई जाती है। आगे बात करें तो अपन पुंगी या बीन, इससे तो सब परिचित है कि कालबेलिया समाज का खानदानी वाद्य यंत्र है, नकसासी यानी नाक से सांस लेकर इसे बजाया जाता है। कालबेलिया समाज की महिलाएं जब नृत्य करती है तो यह वाद्य यंत्र बजाती है, सांप को मोहित करने के लिए यह वाद्य यंत्र बजाया जाता है। आगे हम चर्चा करें तो मोरचंग वाद्य यंत्र है, मोरचंग वाद्य यंत्र सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा है, मतलब एकदम छोटा सा वाद्य यंत्र, सभी प्रकार के जो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र है उनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग वाद्य यंत्र, लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। लंगा जाति के लोग रेगिस्तानी इलाकों में इसे सारंगी व सतारा के साथ में बजाते हैं। इस वाद्य यंत्र की आकृति यूनान के जूप हार्प वाद्य यंत्र से मिलती है, इसलिए इसे राजस्थान का जूप हार्प वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है कि सभी वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग, और राजस्थान का जूप हार्प किसे कहा जाता है, मोरचंग वाद्य यंत्र को कहा जाता है। आगे हम बात करें नागफणी, नागफणी मतलब नाग की तरह जो है उसे नागफणी वाद्य यंत्र कहते हैं। ये पीतल की एक सर्पिलाकार नली होती है, मंदिरों और सत्संग में साधु संन्यासियों के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तुरही वाद्य यंत्र, महलों, दुर्गों और राज दरबारों में इसका प्रयोग किया जाता है। भूंगल या रणबेरी मेवाड़ में भवाइयों का वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग गांव के लोगों को एकत्रित करने के लिए किया जाता है, और पहले यानी कि पहले क्या किया जाता था, युद्ध के प्रारंभ होने से पहले भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सतारा, सतारा वाद्य यंत्र, यह अलगोजा, बांसुरी और सहनाई का समन्वित रूप है। जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में मेघवाल और मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गरड़िये व लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं। मतलब एक तो मेघवाल, मुस्लिम समाज और गरड़िया और लंगा जाति के लोग सतारा वाद्य यंत्र को जैसलमेर और बाड़मेर में बजाते हैं। नड़ वाद्य यंत्र,
कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित है। माताजी और भैरूजी का गुणगान करते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भैरूजी द्वारा इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध वादक कौन है? करणा भील है। नड़ वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक है करणा भील। आगे हम चर्चा करें तो मशक वाद्य यंत्र। मशक क्या है? ये एक थैलेनुमा आधुनिक बैग पाइपर जैसा होता है, बकरे के चमड़े से बना हुआ होता है। ये देखो, ये थैलेनुमा है। ऐसे एक नली में मुंह से हवा भरते हैं और दूसरी तरफ दो नलियों से हवा निकालती रहती है। ये मशक बाजा भी कहलाता है। इसका पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है और इसको कांख में दबाकर फिर बाद में इसका प्रयोग किया जाता है, पूर्वी राजस्थान में मशक बाजा। आगे हम चर्चा करें तो सुरनाई। एक तो होती है सहनाई, जो सबसे ज्यादा सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ और सुरीला वाद्य यंत्र है। एक है सुरनाई, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना। सहनाई वह टोटो से मिलते जुलते आकार का वाद्य यंत्र है। विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर इसको बजाया जाता है। सहनाई शास्त्रीय वाद्य यंत्र है, जबकि सुरनाई लोक वाद्य यंत्र है। सुरनाई बनाने में शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पीतल और तांबे की नली वाली सुरनाई दिखने में सहनाई जैसी ही लगती है। और प्रसिद्ध वादक कौन है? इसके पेपे खा। सहनाई के बिस्मिल्ला खाते और इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? पेपे खा है सुरनाई के। आगे हम चर्चा करें तो सिंगा या सिंगी। यह वाद्य यंत्र साधु संन्यासियों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। धनुषाकार पीतल की नली का होता है। युद्ध में बजाए जाने के कारण इसे रण सिंगा भी कहा जाता है। रण यानी युद्ध, और युद्ध में इसे बजाया जाता है, इसलिए इसको रण सिंगा कहा जाता है। प्राचीन काल में जानवरों के सिंगों से भी इसे बनाया जाता था। आगे हम चर्चा करें एक करणा। एक तो है करणा भील, जो नड़वादी यंत्र के वादक है। एक करणा वाद्य यंत्र, यह 8 से 10 फुट लंबा पीतल की चदर से बना, देखने में चिलम के आकार का लगता है। ये देखने में एक चिलम की तरह होता है। इसके 3-4 भाग होते हैं, जिन्हें अलग अलग करके खोला जाता है। मतलब ये 3-4 भाग में डिवाइड होता है, जिन्हें अलग अलग करके खोला जाता है। मतलब किसी किसी में 3 होते हैं और किसी किसी में 4 भाग होते हैं। इन्हें अलग अलग करके खोल सकते हैं, वापस जोड़ लेते हैं। यह वाद्य यंत्र युद्ध क्षेत्रों में व राज दरबारों में बजाया जाता था। वर्तमान में पाली क्षेत्र में मंदिरों में इसका वादन किया जाता है। शंख। शंख से सब परिचित है, मंदिरों में बजाया जाता है। समुद्री जंतु की खोल से बनता है। शंख क्या बनता है? समुद्री जंतु की खोल से बनता है। एकदम पवित्र वाद्य यंत्र है शंख। शंख हुआ, डमरू हुआ, बांसुरी, जो मंदिरों में पूजा व आरती के समय बजाया जाता है। मुरला या मुरली, ये पुंगी का परिष्कृत रूप है। पुंगी क्या है? कालबेलिया समाज का होता है पुंगी, और ये पुंगी का ही क्या है, एक परिष्कृत रूप है। मुरली तुम्बे से बनती है। लंगा जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में अवनद वाद्य यंत्रों के बारे में और घन वाद्य यंत्रों के बारे में। सुशीर वाद्य यंत्रों की एक ट्रिक है, मैं आपको बताती हूँ। तू भूल ना कर आज मौसम में सीन देखने की। तू भूल ना कर आज मौसम में सीन देखने की। देखने की यह तू से तुरई है, भू से भूंगल है, ल से ना से क्या है, नागफणी है, क से करणा है, आ से अलगोजा है, मो से मोरचंग है। इस तरीके से आप सी से सिंगी है, इस तरीके से आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि इनमें आपको जो वर्ड सूटेबल लगे उस हिसाब से वर्ड्स को जोड़कर आराम से आप अपनी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। और ट्रिक से याद करें तो ट्रिक से वैसे ये एकदम इजी टॉपिक है। इसमें से केवल आपको यही पूछा जाएगा कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है, या फिर वादक के बारे में क्वेश्चन आता है। जो जो इंपॉर्टेंट तक होंगे वह मैं आपको वीडियो के साथ साथ में, और जो कुछ रह जाएंगे उनको लास्ट में वीडियो में आपको बता दूंगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।